कौन मित्रीय अनुपात को साइन ए आरो सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करें। यही ना है, देखो एक दो तीन तीनों अंग आंसर निकालना है नहीं, एकरा में सब आवे, एकरो सूत्र इसी में आना चाहिए। क्वाट में क्वाट ए के पदों में कहता है हमको ज्ञात करने के लिए, तो जब हम क्वाट ए के पदों में इसको ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। एक हम त्रिभुज बना देते हैं, यहाँ लिख देते हैं ए बी सी, लिख दिए ए बी सी लिख दिए। उसके बाद हमको क्या करना है, कॉट ए बराबर लिखना है। कॉट ए बराबर सूत्र क्या होता है इसका, वही 8.1 जैसे पढ़ते हो, आधार बटे लंब। इसका आधार क्या हो जाएगा इस त्रिभुज में, आधार होगा एसी बटे एबी, नहीं यही होगा। नीचे वाले को हम हमेशा मान लिया करेंगे, इस चाहे इसमें जो भी हो, इस सूत्र जैसे लिखे हैं यहाँ पर कॉट आया है, ठीक है, हो सकता है यहाँ पर कोई साइन हो तो साइन का सूत्र लगेगा, नहीं लगेगा, ऐसा ही एबीसी करके लिखे, ठीक है। तो कॉट ए के मुताबिक जो है आधार बटे लंब यानी सूत्र होता है कॉट का, तो ए के मुताबिक आधार ये हो गया नहीं और लंब ही हो गया, तो लंब बटे आधार इसमें से, ठीक है, एक के नहीं होगा बनाने का तरीका, इस सब छो है, छो टाइप बता देते हैं, एक के छो टाइप खत्म, बनाने का नियम केवल जान, इसमें केवल इसका नियम जानना पड़ता है। जैसे इसमें हो गया कि नीचे वाले जब क्वाट ए या यहाँ पर साइन रहता है, साइन का मुताबिक सूत्र लगता है, यहाँ पर जो होता है उसको लिख देते, नीचे वाले को जो है ना हम हमेशा एक्स मानेंगे, क्या मानेंगे, चाहे यहाँ पर जो हो ए भी रहेगा उसको भी एक्स मानेंगे, या बी सी आएगा उसको भी एक्स मानेंगे, या ए सी आएगा उसको भी एक्स मानेंगे, या जो आता है ना नीचे वाले में जो आ जाएगा नहीं, अगर यहाँ पर लंब हो गया तो लंब हो गया क्या कहता है ए बी, ई हो गया लंब, हो सकता है कहीं नीचे में आधार आ जाता, अगर यहाँ टेन रहता तो आधार रहता नीचे, तब हम इसी को ना एक्स मानते नहीं, इसीलिए हम एक्स हमेशा किसको माना करेंगे, नीचे वाले को, क्वाट ए के पदों में यहाँ लिख देगा कि साइन ए के पदों में व्यक्त करें, तब हम क्या करेंगे नहीं, तो यहाँ साइन का सूत्र लगा देंगे और नीचे वाले को एक्स मान लेंगे। उसी प्रकार से हम यहाँ लिख लेते हैं, माना कि ए बी बराबर एक्स, ये कितना निकला, एक्स निकलने गया। देखो अब जो है क्वाट ए बराबर ए बी बटा एक्स, यहाँ पर क्या है ए सी बटा एक्स हो गया, एक्स को इधर से गुणा कर देते हैं, एक्स कॉट ए बराबर क्या निकला, ए सी का कितना निकल गया, एक्स कॉट ए मान कितना निकल गया ए सी, और इसको एक्स मान कितना निकल गया था एक्स कॉट ए। अब हमको क्या निकालना है, तीनों में जो बच गया ए वो देखो माने थे, किसको माने थे, इसमें जो नीचे वाला था, इसमें नीचे वाला नहीं देखना, इस दोनों में जो नीचे आएगा ना मान उसको एक्स मान करके इसमें जहाँ आएगा वहाँ लिख देंगे, जैसे ए बी था तो ए बी ई था, यहाँ पर एक्स लिख दिए, आ नीचे का मान को इस साइड से गुना कर दिए, है कि नहीं, इधर से गुना करने के बाद ए सी का मान निकल गया, क्या निकल गया ए सी का मान निकल गया। उसी पर अगर यहाँ पर साइन रहता, यहाँ साइन लिखा है, यहाँ पर साइन आया था, हो सकता है अभी यहाँ निकल गया, अब आई एक्स यहाँ चला आता, आई यहाँ निकल जाता, है कि नहीं, वो तो लंब कर आधार पर ना निर्भर करता है, है कि नहीं, तो इसीलिए इसमें क्या होता है कि ये बदलते रहता है नहीं, और ये सबसे आसान विधि है ज्ञात करने, बहुत ही आसान है। देखो अब हमको क्या ज्ञात करना है, कर्ण, कर्ण ने ज्ञात करना, कर्ण जो है लिखा हुआ बीसी, कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यही ना है। देखो लंब कितना है,
एक्स का स्क्वायर, नहीं आधार कितना है कॉट ए का डबल। एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन लिए क्या बचा वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। एक्स स्क्वायर को रूट के बाहर करते हैं क्या होगा एक्स रूट वन प्लस बस निकल गया। तो कर्ण यानी कि बी सी, नहीं बी सी कितना निकल गया एक्स रूट अंडर वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये निकल गया। अब हमको ये तीनों निकालना है, सूत्र लगाना है। देखो साइन ए बराबर सूत्र क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है लंब होगा एक्स बटे कर्ण कितना है सम, केवल एक्स से कटा करेगा ठीक है और कुछ मत काट, खाली एक्स को काट देना। आंसर कितना आया वन प्लस, दूसरा क्या निकालना है सूत्र क्या होता है आधार, कर्ण कितना है एक्स रूट अंडर वन प्लस कॉट बटे एक्स निकल गया। देखो वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, अगला क्या है एक्स कॉट ए, देखो यहाँ कहते कह रहे थे गड़बड़ है, आधार क्या है एक्स कॉट ए, यहाँ होगा कॉट ए, इसका टेन ए का सूत्र हो जाएगा लंब बटे आधार एक्स बटे एक्स कॉट एक्स कॉट ए, नहीं क्या निकला एक बटे कॉट ए। देख लिए यही इसका आंसर है।